जय श्री राम। हम सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे जनसेवक श्री पुष्पेंद्र जी भारद्वाज के सुपुत्र कार्तिकेय भारद्वाज का जन्मदिन 5 अक्टूबर को है। हम सब लोग इनका जन्मदिन मनाएंगे और जन्मदिन मनाने के लिए शुरुआत में सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भजन संकीर्तन का प्रोग्राम होगा, इनको हम आशीर्वचन देंगे, सब लोग मिलकर के वहीं भोजन प्रसादी करेंगे। अतः आप सभी लोग अवश्य पधारें। कार्यक्रम की जगह होगी पुष्पेंद्र जी भारद्वाज का कार्यालय, शाम को 6 बजे आप सबको पधारना। जय श्री राम। जय श्री राम। तो साथियों, जैसा आपने देखा, शास्त्री जी ने आपको खुद इनवाइट कर दिया है आज, तो आपको जरूर से पधारना है और साथ में मिलके अपन लोगों को जो है बालाजी का आशीर्वाद भी लेना है। तो काफी मजा आएगा मीटअप पे और ये भी हमारे साथ में उपस्थित रहेंगे। और आज के अपने ब्लॉग की इतनी जो है पवित्र शुरुआत हुई है, आज का ब्लॉग मतलब कितने प्यार से शुरू है जय श्री राम के नारे से, तो बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आप सब लोग आए और इस बालक को आशीर्वाद दें। बिल्कुल। तो अभी तो हम निकलते हैं घर पे। अभी हमने पूरा डिस्कशन किया है कि किस प्रकार प्रोग्राम होगा, तो इनने काफी कुछ हमें सजेशन दिया है। अब सब कुछ तो आपको नहीं बताएंगे, बाकी आपको देख के पता लगेगा जब आप खुद आएंगे। तो अभी तो तुरंत घर निकले यार अपन सब लोग। हाँ। काफी लेट हो गए, तो अभी तो हम घर निकलते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखना आप। ये क्या हो गया, दर्शन फंस कैसे गए अपन लोग? ये मैनुअल लिफ्ट है ना, खुद खोलनी पड़ती है। शास्त्री जी के घर पे अटक गए हम लोग। अच्छा। जल्दीबाजी क्यों मचाता है भाई दर्शन? आज तो चौधरी जी भी है हमारे साथ में। बंसी जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो बंसी जी? और आपके बीवी बच्चे बढ़िया? सब बढ़िया। आपके बेटे के क्या हालचाल? बहुत ही बढ़िया। बढ़िया है क्या? आज नहीं आ रही तेरी जोर से बोल ले। अरे वाह रुद्रा, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, ऊपर से नीचे ब्लैक में। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल बॉडीगार्ड। हम लोगों को देखो भाई, हम तीनों सेक्सी बॉयज वाइट के अंदर है ना, बिल्कुल एकदम हैंडसम बॉयज। और हमारे साथ में हमारा भावी बॉडीगार्ड रुद्र। सही बात है। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, यू नो, आज काफी स्मार्ट लग रहा है। काफी स्मार्ट लग रहे हो ब्रदर, बहुत अच्छे लग रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डैशिंग डैशिंग बॉय, डैशिंग रुद्र। आ जा रे ब्रो, चलो चलो, लेट हो रहे हैं रुद्र। प्रोटेक्ट अस यार, हमें बचा रुद्र, भीड़ आ रही है, धक्का लगा। आपका चुप रहा है अड्डी, लेट हो रहे, जल्दी आना भाई। यार बॉडीगार्ड क्या कर रहे हो आप यार? मम्मा रुद्र कैसा लग रहा है बताओ ना। अच्छा लग रहा है, बढ़िया, तुम्हारी सेफ्टी रहेगी। मेरे पास लाइट ब्लू थी, तेरे को हमने बोला था, हमने बोला था ब्लैक मत पहन के आई हो, तू पछताएगा। व्हाइट प्रेस वाले को दे रखी है यार, तू तब पछताएगा, तू बेटा अब तो तू पछताएगा। निकलो, आ जाओ, लेट हो गया, लेट हो गया भाई, निकलो। तो साथियों, पूरे दिन की मेहनत के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं हमारे स्कूल के एक पुराने मित्र के जन्मदिन पे। उसके जन्मदिन के स्वर्ण अवसर पर उसने हमें क्लब बुलाया है। अब ये आपके सामने एक क्लासिक एग्जांपल है बिगड़े हुए बच्चों का, जो क्लबों में पार्टी करते हैं। अब देखो, एक तो होते हैं क्लब में पार्टी करने वाले बच्चे, ठीक है, अपन ने पिछले साल करी थी क्लब में पार्टी, लेकिन अब मेरा इन मोह मायाओं से मन उठ चुका है। अब मैं कराऊंगा हनुमान चालीसा पाठ मेरे जन्मदिन पे, वो भी सामूहिक सबके साथ मिलके, जिसमें आप सब लोग भी इनवाइटेड हो, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है साथियों। अरे यार, बहुत शानदार, बहुत शानदार साले यार, इनके क्या है, बहुत शानदार के पीछे हुई वो है ट्रिक, तो मैं बता देता हूँ साले, इनको एक बदनाम कर ही देता हूँ, ये बहुत शानदार के आगे से शानदार हटा दो। हमारा एक स्कूल का साथी है मोहित विजय, वो हमारे जो है अभी मुंबई चले गया था कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन अभी जयपुर में बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है। ओ, इसका फोन आ गया मोहित विजय का। हेलो और लपोड़ी चंद, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू है। मैं बस रास्ते में हूँ भाई, आगे 2 मिनट में। ये रुद्र बुला लिया तेरे को, इससे बात कर, पूछ इससे क्यों बुला लिया बाहर? भाई मैंने नहीं बुलाया, ये देख मना कर रहे हैं, तू मना कर रहे हैं, मैंने तो नहीं बुलाया। अरे अंदर क्या, तू बाहर ही रहे, 1 सेकंड में पहुंच गया बस, हम लोग बाहर ही आ गए। ये इनसे बात कर दो, तो बंसी से बात कर, बंसी लो बात करो मोहित को, हैप्पी बर्थडे बोलो। जन्मदिन मुबारक हो मेरे भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बस पहुंच गए हम आपके पास। आ जाओ, ठीक है भाई मोहित, आगे 2 मिनट में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा लगा आज, मतलब बंसिया ने इसको इतनी इज्जत दी, इतने प्यार से बात करी, मतलब पहली बार मैंने बंसिया को इतनी इज्जत देते हुए किसी को देखा है। इज्जत देता नहीं हो क्या? नहीं बंसिया, आप इज्जत ले ले। देते तो नहीं हो, आज तक तो नहीं देखी मैंने। अब चलो पहुंचते हैं, बढ़िया क्लब में पार्टी वार्टी करते हैं, आज बहुत दिन हो गए थे, आज दबा के ठूसेंगे भाई। आज सुबह से हम लोग कुछ खाए हुए नहीं है, ये भी बोल दिया यार तुम यार के पागल हो गए, खाए जा रहे हो। मनसिया कितने लोगों का बिल तो आप अकेले बना दोगे, बता दो आज भाई। पांच छह आदमी और अकेला अकेले कर दोगे ना? ठीक है, अब मैं नहीं खाना भाई, खाना बेइज्जती नहीं करनी मेरे को आ जाके। उसको उनको बदनाम करती है बिन फालतू, मेरे को खाना नहीं, और यार तुम्हें ऐसे ही चलता है यार साथियों। राइट में ही है, आगे चल के चलो। यहाँ पे क्या है, बीच में एक भाई हादसा, वो भी हुआ था,
शॉप शॉप कुछ करके मोहित यार मैटर हो गया यार, यार खाना खाते वीडियो बनाना भूल गया यार, तूने तो बढ़िया खाना रखा था सारे बार हो गया यार। कोई नहीं कल वापस खिला दियो यार, पक्का पक्का कल वापस मिल रहा है फिर। ओए कल की और पार्टी हो रही है दर्शिल, कल भी पार्टी दे रहा है ये कह रहा है, पूछ ले जाए पूछ ले। मोहित आ रहा है पक्का? डन 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 ला भाई कल पिज्जा खिला रहा है। डन डन पिज्जा जो बोलो। ओए पार्टी वार्टी खत्म हो गई और अब हमारे भाई को हम मोची खिलाने ले जा रहे हैं, भाई को हम एक राइड करा के लाएंगे गाड़ी में। ओके डन भाई डन ना। इधर चल सुन, अब ये राइड कहाँ पे खत्म होगी अपनी? अपनी राइड वापस यहीं खत्म होगी यार, भाई का जन्मदिन है। हाँ भाई का जन्मदिन है, वापस यहीं उतारेंगे तेरे, तो टेंशन क्यों ले रहा है भाई? तो मैं समझ गया, मैं समझ गया। अरे तू कुछ नहीं समझा, तू साथ चला जा, तू आया। मैं समझ गया। अरे मेरे को अरे गाड़ी कहाँ है अपनी, पहले गाड़ी को उतारने दे, कहाँ जा रहा है? और लात मार दे भाई, लात मार दे। ओ भाई क्या कर दिया दोस्त, की गाड़ी तोड़ दी भाई ने। क्या कर रहे हो ये? सट्टा खेलता है मोहित, सट्टा खेलता है, देख लो भाई साथियों बहुत गलत बात है। कल बात चलेगा। हाँ मोहित तू सट्टा खेलता है? अरे नहीं नहीं एक बार खेला था, इन लोगों का टाइम पास। देख लो भाई देख लो, जल्दी आओ जल्दी आओ, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। रुद्र ने बंसिया को गलत गलत कह दिया। बंसिया अब बताओ, अब बताओ बंसिया ने गाली बकदी। चल 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 रुद्र कैसा रहा जरूर। इधर दर्शिल पास जाओ, दर्शिल पास बैठो। मैटर हो गया, मैटर हो गया, लड़ाई हो गई। बैठो सही, बैठो ना यार, ये बैठ ही नहीं रहा यार, लड़ाई हो गई मेरी यार। बैठो भाइयों, मैं आपका प्यारा रिश्तेदार आ चुका है और केक लेने जा रहे हैं भाई साहब अपने यहाँ पे। आज ही भाई जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल मेरे भाई का? सब मजा में चल रहा है? और बताओ भैया यार, मैं आपसे यार, मैं भैया मैं आपसे क्या करीब से मिलना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे मिलना चाहता हूँ मैं ऐसे। यार मेरे को ना आपका आपके ना दुकान से केक चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, तो मैं पैसे नहीं दूंगा उसके। नहीं पैसे मांगे कौन था आपसे? नहीं मांग रहे, महंगे से महंगा केक। बिल्कुल पसंद तो करो आप, पक्की बात। फुंसी की स्पेलिंग FUNSI। हाँ FUNSI लिख दो आप। तो भाई हो यार, यहाँ पे आओ केक खरीदो और मेरे नाम से डिस्काउंट पाओ। नहीं मैं पैक कर दो जल्दी से थोड़ा, ताकि हम रवाना हो जाए। ओ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लौंडे। मेरी बात करा, बंदा नहीं देखा मैंने तेरे जैसा जिंदगी में। थैंक यू यार। अंशुल तू ऐसे मरा हुआ क्यों पड़ा है ब्रो? तो साथियों हमारा जिगरी यार अंशुल आज वापस आ गया है इतने सालों बाद में। अब बैठो यार तुम भी, यार तुम भी याद रखोगे आज आपका बर्थडे केक काटेंगे हम लोग। हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे माय डियर फुंसी। आजकल तो बॉडी बॉडी बन रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा। ला भाई आर्यन तेरी तोहीन कर दी, एक मिनट में रुत रहे तेरी गाड़ी लेके आया और देख तेरे से आगे निकाल ली और वही 200 की स्पीड में। वो तो एक भगा रहा है, देख भगाए जा रहा है भाई। भाई तूने तो मना किया था धीरे चलाने को, बोला था ना मन बुद्धि है, मन बुद्धि सारा तेरी गाड़ी। रुद्र के मम्मी पापा ब्लॉग देख रहे थे उसको डांटने इस बात के लिए। भाई आर्यन देख, इसकी भाई लास्ट गाड़ी है, इसको गाड़ी नहीं देखी भाई। आज क्या तेरी गाड़ी बनती है? देख देख भाई, मैंने आपको बोला था ना पीछे पीछे आना धीरे धीरे, अगर निदान हो यार। एक बात बताओ, रुको रुको बंसी भैया की बात, वो बड़े है ना, पहले उनकी सुन। हां बंसी भैया गाड़ी 200 में उड़ रही है, मैं उसको 100 पे तो ला रहा था, 100 भी नहीं थी। क्यों लेके आया? ठीक है 60 पे चला रहा था, 60 धीरे चलाएगा ना रुद्र से। क्या हो गया? दबा देता भाई 60, इसके पीछे तो चल रही थी, इस वाले रोड पे तो आगे आया हूँ या घर आते हुए? नहीं आगे मत आया करो, धीरे चलाया करो। ठीक है भाई मैं चलाऊंगा ही नहीं। ऐसे होते हैं एड़े बच्चे सारे, से अपनी गलती नहीं मानी जाती, फिर मैं चलाऊंगा ही नहीं और बोल देते हैं। ऐसे लोगों को लपक के मारना चाहिए। मस्त देखो, अभी देखिए, अभी देखिए। ओ ओ अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। अरे मत करो यार, डोंट बी
क्या हो गया अंशुल, क्या कर दिया यार? ओए ये तो ब्लॉग में डालेगा तू। क्या हो गया ये? और साथियों सब अपनी अपनी पोजीशंस ले चुके हैं, अब आपको धमाल पता लगेगा अभी क्या धमाल होने वाला है। ये अंशुल तो सेफ्टी से खड़ा है और ये ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? जन्मदिन चलो ठीक है, जन्मदिन मनाओ, मैं वापस जाता हूँ। आप सब लोग मिलकर रुद्र को दवाई देंगे। लाओ चलो बाथरूम में जाओ दोनों, दोनों के साथ नहीं जा रहा, ये गलत आदमी है बहुत। क्यों? गंदी सोच है उसकी बहुत। कैसे पता नहीं है मेरे को अभी से। आओ मैं साथ चल रहा हूँ, आ जाओ, मैं भी चल रहा हूँ। अब आप लोग आप बाथरूम में बाहर से, मैं अकेला हूँ।